हेलो बच्चों, वीआरएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फिर से बात करेंगे नीट प्रॉब्लम में, जहाँ पे केवल नीट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो क्वेश्चन छोटा था इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अगर बड़ा होता तो जैसे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे वैसे एक करते, लेकिन छोटा है तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अब देखो समझते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और इतना तो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि ये तुमको पता होगा। वैसे भी ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड में कुछ नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मतलब 1990 में पूछा गया था, मतलब समझ सकते हो बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है। तो उस टाइम पेपर का लेवल क्या था, अभी तो पेपर का लेवल क्या है तुमको पता ही होगा। देखो, वाशिंग सोडा हैज फॉर्मूला, मतलब तुमसे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था और इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दिया था। तो भाई साहब, जो वाशिंग सोडा होता है, सबसे पहले एक सोडियम का कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? सोडियम का कंपाउंड होता है। अच्छा, वाशिंग सोडा का दूसरा नाम मैं तुमको बता देता हूं, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट्स। ये वाशिंग सोडा का दूसरा नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो अब तुमको पता चल गया होगा कि डेका हाइड्रेट में डेका का मतलब होता है 10 यानी 10, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है पानी। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट तो साथ में होगा, लेकिन पानी कितना होगा? 10 होगा। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि सोडियम कार्बोनेट तो सब में है, लेकिन पानी कितना है? यहाँ पे पानी 7 है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पे पानी क्या है? 3 है, तो ये भी कट गया। यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो ये भी कट गया। लेकिन यहाँ पे पानी कितना है? 10 है। तो मतलब सही वाला आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। तो इस तरीके से चीजों को पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेप्टाहाइड्रेट है, यहाँ पे ट्राईहाइड्रेट्स है, तो हाइड्रेट्स मतलब पानी। अब 3-4 उसी को बोला करते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 को डेका बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है, पहले में Na दिया है, दूसरे में Na प्लस दिया है, तीसरे में Na माइनस दिया है, और चौथे में लिखा गया कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो देखो लार्जेस्ट साइज पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था। तो इसको कैसे बचाएंगे, मतलब बताएंगे? देखो समझो, हालांकि सबसे पहले ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को तो तुम पहले ही ऐसे ही छोड़ दो। और एक बात ध्यान रखो कि अगर तुमसे कभी बोला जाए कैटायन और एनायन, इन दोनों में लार्ज साइज किसका होगा, तो तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि एनायन का साइज लार्ज होता है, कैटायन का साइज स्मॉल होता है। छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, इसी सोडियम को ले लेते हैं। देखो जैसे अब तुम सोडियम को ले रहे हो, जरा इधर समझो, अब तुम एक सोडियम लो, एक Na प्लस लो, दूसरा Na माइनस लो। अब तुम Na में इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा? 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा, ठीक है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर होता है बराबर होता है, लेकिन अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाता है, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अगर माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखो अब ये केटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके प्रोटॉन के ऊपर यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां पर ये जो एनायन है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अब देखो पहले तो न्यूट्रल वाले में 11 था, एक माइनस आ गया तो एक और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो 11 ही पड़ा रहेगा। तो अब देखो इसमें तो इक्वल है, और वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन करीब आएगा तो साइज कम होगा। तो इसमें तो न्यूट्रल है, इसको तो मान के चलो कि अभी छोड़ दो, तो न्यूट्रल है तो उसमें उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के पास आएगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कैटायन का साइज तो स्मॉल हो गया। एनायन में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया? 12, और प्रोटॉन 11 है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर अभी भी वही है, तो प्रोटॉन अब पड़ जाए, खींच रहे थे लेकिन अब भाई वो सब कम कमजोर पड़ जाएंगे। क्यों कमजोर पड़ेंगे? नंबर उनका कम हो गया है। तो इस केस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री महसूस करेगा, थोड़ा दूरी बना के रहेगा, तो मतलब साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमको बताना था कि किसका साइज बड़ा होगा, तो साइज किसका बड़ा होने वाला है, अब तो तुम समझ गए होगे, ऑप्शन सी Na- का। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब देखो ये मत सोचना कि मतलब मेटल है कैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया है, बस ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको दिल पे नहीं लेना कि इसमें मेटल है तो कैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे समस्या हो गया, कोई ऐसा बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है बस फ्रेम किया गया, एग्जामिनर ने किया है, वो भी मैंने नहीं किया है। देखो अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। अब यहां पे ये दिया, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, लार्जेस्ट साइज नहीं होगा यहां पे, यहां पे लार्जेस्ट साइज नहीं है, यहां पे हैज लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। एक बार मैं चेक करता हूं क्वेश्चन, हाँ तो इसमें लैटिस एनर्जी से मतलब इसमें किस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा हमको ये बताना था। 1993 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो लैटिस एनर्जी कैसे पता करते हैं, अगर तुम्हारे पास कैटायन का साइज स्मॉल हो, एनायन का साइज स्मॉल हो, दोनों का साइज अगर स्मॉल है तो उस केस में बनने वाला जो बॉन्ड होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उस केस में क्या होता है लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। या फिर तुम्हारा कैटायन और एनायन दोनों का साइज बड़ा मतलब बड़ा हो तो उस केस में भी बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी एक का साइज स्मॉल हुआ किसी का लार्ज हुआ तो उस केस में बॉन्ड वीक बन जाता है और उसका लैटिस एनर्जी कम हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑलमोस्ट हमारा जो NaF है, सोडियम कैटायन का साइज स्मॉल होगा, NaF का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं, वैसे भी सॉरी F- के पास तो वैसे भी डी ऑर्बिटल नहीं होते यार फ्लोरीन के पास, तो यहां पे क्या होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।